नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण कुमार और आप देख रहे हैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्यूशन हमारा। इस वीडियो में हम BLC प्लेयर के बारे में बात करेंगे। इसमें कई तरह की प्रॉब्लम आती है, उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कई लोगों को दिक्कत आ रही है कि नया वाला BLC प्लेयर वो डाउनलोड करते हैं तो ये देखिए उसमें वीडियो नहीं चल रही, ऑडियो चल रही है बट वीडियो नहीं चलती है। ठीक है, अभी ये देखिए इसमें वीडियो चल रही है, ऑडियो चल रही है, वीडियो नहीं चल रही। तो मैं 3-4 सेटिंग बताता हूँ, ध्यान से कीजिएगा। BLC प्लेयर खोलना है, सबसे पहले यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है। सबसे नीचे देखिए प्रेफरेंसेस लिखा रहता है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने इनपुट कोडेस पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे लाना है। यहाँ पे जो फर्स्ट में लिखा हुआ 300 फाइल कैचिंग के आगे इसको 600 कर देना। ठीक है, इसको हमने 600 कर दिया और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, दूसरी सेटिंग हमने दोबारा करनी है, टूल्स पे जाना है, दोबारा नीचे आना है, प्रेफरेंसेस पे आना है, क्लिक करना है और यहाँ पे इनपुट कोडेक्स पे क्लिक करना है। इनपुट कोडेक्स इस पे क्लिक करने के बाद हार्डवेयर एक्सलरेट डिकोडिंग को डिसेबल कर देना है। ठीक है, डिसेबल और यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, डिसेबल देख लीजिएगा, सेव। तीसरी सेटिंग जो है टूल्स पे जाना है, अगेन प्रेफरेंसेस, उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे लाना है, स्लाइड करके यहाँ पे आपको वीडियोस दिखेगा, वीडियोस पे क्लिक करना है। आउटपुट मॉडल्स पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए यदि ऑटोमेटिक सेट नहीं है तो यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक सेट कर देना है। ठीक है, वीडियो आउटपुट मॉडल्स यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट कर देना है और ये सेव कर देना है। अगेन चौथी सेटिंग टूल प्रेफरेंसेस ऑल पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इनपुट कोडेक्स पे क्लिक करेंगे, कोडेक्स पे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, वीडियो कोडेक के जो बाएं साइड तीर है इस पे क्लिक करना है। इस पे वीडियो कोडेक पे नहीं करना है, बाएं साइड जो आधी सी तीर बनी हुई है आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर अभी देखिए नीचे FFAM ऐसे करके GG पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इस पे आपने क्लिक करना है। FF FF करके लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ बाएं साइड आइए, यहाँ पे आपने 2 कर देना है, 0 लिखा हुआ रहेगा ट्रैक्स, तो आपने इसको 2 कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, अभी आपके VLC प्लेयर में अभी देखिए एक काम करने लगेगा। यदि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका यदि VLC प्लेयर काम नहीं कर रहा है, मेरा तो काम कर रहा है, देखिए फर्स्ट क्लास, कोई भी वीडियो को देखिए आप, फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसको आपको VLC प्लेयर में भी चला के दिखा देता हूँ। यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। लेकिन यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं बता रहा हूँ, आपने क्रोम में जाना है और यहाँ पे आपने सीधा फाइल हिपो पे जाना है। ऐसे आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन मैं ये आसान लगा मेरे को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फाइल हिपो पे जाने के बाद
यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने VLC सर्च करना है, पूरा देखिएगा, लास्ट में बताऊंगा आपको, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 32 बीट का, आपने 32 बीट का VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड कर लेना है। नया वाला में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो यदि आपको, वैसे तो 99.9% वो सब सेटिंग करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यदि नहीं होता है तो आपने 32 बीट का VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड चलेगा आपने, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बता दूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।